चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 हॉरर्स गेम जिनकी ग्राफिक क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। कुछ गेम ऑनलाइन होंगे, कुछ गेम ऑफलाइन, तो साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। और इनके साउंड इफेक्ट बहुत ही डेंजरस रहने वाले हैं। अगर आप आज की डेट में कोई हॉरर गेम ढूंढ रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो के लाइक एम के बारे में बात करता हूं दोस्तों, जो कि है 15 लाइक, जो कि आप कर ही दोगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरी लिस्ट का पहला गेम है दोस्तों, उसका नाम है हॉरर स्क्वाड। ये एक तरह का ऑनलाइन मल्टीप्लेयर हॉरर गेम है जिसमें आपको अलग अलग एरिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा दोस्तों। वेपन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा और डेविल्स के साथ फाइट भी करनी पड़ेगी। इसके हॉरर इफेक्ट बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं और ग्राफिक क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी। डोर्स को अनलॉक करना पड़ेगा और सीक्रेट्स को रिवील करना पड़ेगा दोस्तों। और साथ ही इसमें आपको बहुत ही यूनिक डेविल्स देखने को मिलते हैं जिसको देखकर आपको रात को मज़ा ही आने वाला है। गेम बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB रैम वाला मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिस पर आप इसको अच्छी तरह वर्क कर सके। इस गेम के साइज़ की बात करूँ तो 323 MB इसका साइज़ रहने वाला है, तो आप इस गेम को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जो मेरी लिस्ट का सेकेंड गेम होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है मेंटल हॉस्पिटल 6। इस गेम के बारे में बात करूं तो ये एक स्टोरी बेस्ड हॉरर गेम रहने वाला है जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। इसकी स्टोरी लाइन की बात करूं तो इसमें आप एक रिपोर्टर का रोल कर रहे हो जिसको फ़ोन आता है हेड ऑफिस से कि आपको हॉस्पिटल जाकर वहां की एक्टिविटी का पता लगाना है और फाइंड करना है हॉस्पिटल को, जिसको फाइंड करते ही आपकी गेम वहीं से शुरू हो जाती है। और उस हॉस्पिटल में आपको बहुत सारी डेड बॉडीज मेंटल्स देखने को मिलते हैं और होरिस्टिक डेवल्स गोस्ट और बहुत कुछ भी देखने को मिलता है। डेंजरस ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं एंड साउंड इफेक्ट तो बहुत अमेजिंग है। आप इस गेम को हेडफोन लगाकर ज़रूर खेलें, तभी इस गेम का आपको पूरा मज़ा मिलेगा दोस्तों। और इस गेम के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये गेम एक फर्स्ट पर्सन हॉरर गेम रहने वाला है जिसको प्ले करने में आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो गेम को ज़रूर प्ले कीजिए और साथ ही इसमें आपको बहुत सारे मॉन्स्टर एनिमीज एंड डेविल्स देखने को मिलेंगे जिसको देखने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गेम बहुत ही डेंजरस रहने वाला है। गेम के साइज़ की बात करूँ तो 272 MB इसका पूरा साइज़ है। गेम ऑफलाइन रहने वाला है, तो आप डाउनलोड करने के बाद इसको बहुत ही आराम से प्ले कर सकते हैं। जो मेरी लिस्ट का थर्ड गेम है फ्रेंड्स, उसका नाम है ट्रू फेयर। इस गेम के बारे में बात करूं गाइस, या तो ये गेम ग्राफिक के मामले में बहुत अच्छा गेम है जिसमें आपको ग्राफिक क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और साथ जो इसके हॉरर इफेक्ट्स हैं ना, वो इस गेम को और ही ज़्यादा डेंजरस बनाते हैं। ये गेम एक स्टोरी बेस्ड गेम है जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ऑसम रहने वाली है। इस गेम की स्टोरी के बारे में बताऊं तो इसमें आपके करैक्टर को एक लेटर देखने को मिलता है जो कि आपकी बहन नहीं दिया होता है उसको, जिसमें लिखा होता है एक घर का एड्रेस जो कि सुनसान घर है, हॉरर टाइप है, उसमें कोई आता जाता नहीं है। आपको वहाँ पर जाना, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ये सारा एरिया, लेवल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, आइटम्स को फाइंड करना पड़ेगा और डेविल के साथ मुकाबला भी करना पड़ेगा। तो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही इस गेम में आपको ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट भी देखने को मिलता है जिसमें आपको ढेरों ही पजल्स देखने को मिल जाएंगी। इन पजल्स को सॉल्व करते ही आपकी गेम कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और गेम के साइज़ की बात करूँ तो 523 MB इसका पूरा साइज़ है। और गेम ऑफलाइन रहने वाला है, तो आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB रैम वाला या 3 GB रैम वाला कोई अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए जिस पर ये अच्छी तरह वर्क करे। जो मेरी लिस्ट का फोर्थ गेम है दोस्तों, उसका नाम है हॉरर फील्ड। ये एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन हॉरर गेम है जिसका साइज़ भी सिर्फ 96 MB है। अगर आपको कोई गेम चाहिए इतने कम साइज़ में जो कि आपको डिसेंट लेवल्स प्रोवाइड करवा दे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है हॉरर गेम्स में। और इस गेम के ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स डिसेंट लेवल के देखने को मिलते हैं, साउंड इफेक्ट बढ़िया देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको अलग अलग करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बेस बॉलर
और डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर और बहुत सारे करैक्टर्स देखने को मिलते हैं और डेविल्स भी बहुत सारे ही देखने को मिलते हैं, बीस्ट, गोस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपली इस गेम में आपको पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, एरिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और हिडन प्लेसेस को फाइंड करना पड़ेगा और साथ ही आपको बचते बचाते जनरेटरों को ऑन करना पड़ेगा जिससे आप इस गेम में आगे और आगे बढ़ सकते हो। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 1 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा तो गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। जो मेरी लिस्ट का 5th नंबर का गेम है दोस्तों, उसका नाम है हेलो नेबर्स। इस गेम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स तो ये गेम आपको PC में भी देखने को मिल जाएगा, कंसोल में भी देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड और iOS में भी देखने को मिल जाएगा। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही हाई लेवल के हैं, साउंड इफेक्ट बहुत ही ऑसम है एंड स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है, तो गेम को ट्राई करना तो बनता है, तो गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस गेम की स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी को बताते बताते ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ कि इस स्टोरी में क्या होता है। जो हमारे नेबरहुड अंकल हैं वो इस गेम के विलन हैं, उन्होंने अपने घर में अपने आप को लॉक किया हुआ है किसी वजह से और उन्होंने एक रोबोट को इन्वेंट किया है जिस पर उन्होंने अपने बेटी की चीखने की आवाज़ को स्पीकर की मदद से लगाया हुआ है और वो रोबोट एक दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नेबरहुड अंकल उसको किसी कमरे में बंद कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक लड़का फुटबॉल खेलता खेलता वहाँ पर आ जाता है। उस लड़के को लगता है कि नेबरहुड अंकल ने किसी बच्चे को किडनैप किया है, तो इसको छुड़ाने के लिए वो लड़का घर के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जाते ही उसको बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और बहुत सारे पजल्स देखने को मिल जाते हैं। इस गेम में बहुत सारा एडवेंचर भी है, तो गेम को प्ले करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए। गेम के साइज़ की बात करूँ तो 1 GB के आसपास का साइज़ रहने वाला है और साथ ही इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 3 GB रैम वाला या 4 GB रैम वाला कोई अच्छा मोबाइल डिवाइस होना चाहिए जिस पर यह गेम अच्छी तरह वर्क करे। जो मेरी लिस्ट का आखिरी गेम है दोस्तों, वो आता है सबका प्यारा अपना प्यारा राज दुलारा ग्रैनी 3 है दोस्तों। अगर आप हॉरर्स गेम खेलते हो तो आपको पता ही होगा कि ग्रैनी 3 अपने आप में एक लेजेंडरी गेम है जिसके ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं और हॉरर इफेक्ट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं फ्रेंड्स। ग्रैनी 3 आजकल बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, अगर आपने अभी तक इस गेम को ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लेना। और साथ ही इस गेम के बारे में बताऊं तो इसमें आपको एक नया हाउस देखने को मिल जाता है, हाउस के अंदर आपको बहुत सारी पजल्स देखने को मिल जाएंगी जिसको सॉल्व करते करते बचते बचाते लुकते छुपते आपको ग्रैनी से बचते हुए इन पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप ग्रैनी के हाउस से बाहर जा सके और गेम को कंप्लीट कर सके। तो गेम बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। गेम के साइज़ की बात करूँ तो 16 MB सिर्फ इसका साइज़ है। गेम ऑफलाइन रहने वाला है, सिर्फ एक बार डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गेम को प्ले करना पड़ेगा और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 1 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस होना चाहिए जो कि इस गेम को बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर लेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस कैसे लेकर आ सकता हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।